हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे अगर आपके टोली के कबूतर बल में आ जाए तो उनके साथ क्या किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे टोली के कबूतर हैं, ये बल में आ गए, एक दो हफ्ते हो गए ये लड़ ले रहे हैं। यहाँ छत के ऊपर ही बल पे बल मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा करना है कि आप लोगों को दोपहर में जल्दी आना है। जैसे आप पहले 5 बजे कबूतर खोलते हैं, लेकिन इनके बल ख़त्म करने के लिए आपको 3 बजे खोलना पड़ेगा इन्हें, और फिर इन्हें खूब पीटना पड़ेगा यानी उड़ाना पड़ेगा ताकि इनके बल ख़त्म हो। आप देखेंगे ये सिर्फ गोल गोल घूमेंगे, सीधे नहीं उड़ रहे ये, क्योंकि बल में आए हुए हैं आज कल, इस वजह से। ये देखें तो आपको कड़क धूप में आना पड़ेगा ताकि आप इन्हें खूब पीटें उड़ाएं, उसके बाद ये सीधे होंगे। 3-4 दिन ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कबूतर दूसरी टोली में जाके लड़ना शुरू कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, पीछे घूमे जा रहे हैं, वैसे बल पे बल मारे जा रहे हैं। तो इनके बल खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप धूप में आए और इनको उड़ाएं 3-4 दिन अकेले, ताकि इनके बल खत्म हो जाए। हाँ, इन्हीं का था वो। अब आ रही है टोली छत के ऊपर। सर, जब आपके कबूतर उड़ के बैठे तो उन्हें थोड़ा बहुत दाना भी खिलाएं, मोहब्बत भी करें उनसे, ताकि उन्हें पता चले यहाँ पर दाना मिल रहा है। अगर फाइट हो तो फिर वापस आप ही की छत पर आए। अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, देखें इंशाल्लाह इनके तावे जल्दी खत्म हो जाए। इनको थोड़ा सा डराना भी पड़ता है, थोड़ा डरेंगे तो फिर ये ठीक होते हैं। ये देख रहे हैं गोल गोल तावे जो मार रहे हैं ना, गोल गोल घूम रहे हैं, इनके बल खत्म करने, तावे खत्म करने, ताकि सीधे उड़े, जिसकी वजह से दोपहर में नहीं उड़ाया जा रहा। उड़ते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं ना, माशाल्लाह। जैसा आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है कि इनके बल थोड़े बहुत कम हुए हैं, वरना पहले तो बहुत ही गोल गोल घूम रहे थे, अब थोड़ा सीधा भी उड़ रहे हैं।
और आपको ये जरूर ख्याल करना है, जहाँ आपने कबूतर पाले हुए वहाँ पर चूहे वगैरह ना हो। जैसे कि हमारी छत पे थे, हमने सफाई की है, देखें आप यहाँ पर, ये हम लोगों ने सफाई की है ताकि चूहे वगैरह ना हो, क्योंकि वो इनको खा जाते हैं, नुकसान होता है, इनके पैर वगैरह, इनके पाँव वगैरह काट लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। दो दिन और इनको थोड़ा उड़ाया जाएगा दोपहर के टाइम पे, उसके बाद ये सीधे हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जाके फाइट करेंगे जल्द से जल्द, और आपको फाइट की वीडियो भी दिखाऊंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम अपने चैनल के ऊपर आपको बर्ड्स के बारे में, अभी कबूतरों के बारे में बता रहे हैं, फिर बाद में हम आपको अपने पैरट्स के बारे में भी बताएंगे। हमारे पास बजरी, ऑस्ट्रेलियन बजरी और कॉकटेल्स और पसनाडा, ये सारे बर्ड्स हैं जिसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे कि उनकी ब्रीड कैसे कराई जाती है और उनको किस तरह रखा जाता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।